अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोले तो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है स्टाइकोमेट्री। इसकी प्रोनाउंसिएशन तो काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, ये स्टाइकोमेट्री किसे कहते हैं, बट स्टाइकोमेट्री को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बातें क्या करते हैं, गोशवार कर लें जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आपको रिमाइंड करवाता चलूं, इससे पहले हम मोलर वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, मोलेकुलर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, मोलेकुलर मास पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है हमने एवोगाड्रो नंबर पढ़ लिया हुआ है, मोल पढ़ लिया हुआ है। ठीक होगी ना बात ये बेटे? अगर एक केमिकल इक्वेशन ले लें, उस केमिकल इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ मोलेकुलर फॉर्मूला, मोलेकुलर मास, एवोगाड्रो नंबर, मोल्स, वी कैन मेक द यूज ऑफ केमिकल इक्वेशन मोर बेस्ट वे। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मेरे पास ये है जी 2 मोल हाइड्रोजन गैस के, इसे रिएक्ट करवाते हैं 2 मोल ऑक्सीजन गैस से और बनते हैं 2 मोल पानी के गैसीयस फॉर्म। जरा देखिएगा क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जी? ठीक है, जरा मुझे बताइएगा ये टोटल कितने ग्राम होएगा? ऑफकोर्स 2 मोल H2 है तो ये टोटल 4 ग्राम बनेगा ना, 4 हाइड्रोजन की बेस पे, और ये 32 ग्राम, 16 और 16 32, ये 16 2 18 2 36 ग्राम, बिल्कुल ठीक है। जरा देखिएगा 1 मोल में मालिक्यूल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर और 2 मोल में मालिक्यूल्स की तादाद ट्वाइस एवोगाड्रो नंबर, 2.60 × 10⁻³³ मालिक्यूल्स, और इसमें ऑक्सीजन के तो फिर सिर्फ एवोगाड्रो क्योंकि 1 मोल है, 6.0 × 10⁻³ मालिक्यूल्स, और पानी के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? ट्वाइस एवोगाड्रो नंबर, 2 मोल है ना, 2 मोल में 10⁻³। अच्छा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। 2 मोल का वॉल्यूम कितना होएगा? 2 × 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, और बेटे ये 2 मोल का वॉल्यूम कितना आ गया? 2 × 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा बेटे, हमने मोलेकुलर मास भी पहले पढ़ा था, मोल्स भी पढ़ा था, एवोगाड्रो नंबर भी पढ़ा था, अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब विद द हेल्प ऑफ मोलेकुलर मास, मोल्स, एवोगाड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, वी कैन मेक द यूज ऑफ केमिकल इक्वेशन मोर बेस्ट वे। जरा देखिएगा कैसे, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? अच्छा, इससे मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? मुझे इन्फॉर्मेशन नंबर 1 मिल रही है कि 2 मोल हाइड्रोजन के जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो 2 मोल पानी का बनेगा। मुझे इन्फॉर्मेशन नंबर 2 क्या मिल रही है? 4 ग्राम हाइड्रोजन के जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेंगे तो 36 ग्राम क्या बनेगा? पानी। और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? ट्वाइस एवोगाड्रो नंबर हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स, जब एवोगाड्रो नंबर ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ मिलेंगे तो ट्वाइस एवोगाड्रो नंबर मालिक्यूल किसके मिलेंगे? वाटर्स के। मुझे एक और बात पता चल रही है कि 22.414 × 2 ये कितना बन जाता है? ये बेटे आ जाता है हमारे पास 4482 और 8। ये मुझे पता चल रहा है कि 44.828 क्यूबिक डेसीमीटर हाइड्रोजन के जब 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या बनेगा? 44.828 क्यूबिक डेसीमीटर बनेंगे, ठीक है, किसके? पानी के। तो ये बात क्लियर हो गई, विद द हेल्प ऑफ मोलेकुलर फॉर्मूला, मोलेकुलर मास, मोलर वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो नंबर, वी कैन मेक द यूज ऑफ केमिकल इक्वेशन इन मोर बेस्ट वे। अच्छा, ये हमें ना एक रिलेशनशिप पता चल रहा है कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन तो 36 ग्राम पानी बनेगा। ऑफकोर्स अगर मैं कर देता हूँ, ये डबल कर देता हूँ, 8 ग्राम हाइड्रोजन कर देता हूँ, 64 ग्राम मैं ऑक्सीजन कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा? ये भी डबल हो जाएगा, 72 ग्राम। क्लियर? अब ये ना मुझे एक मिकदारी तल्लुक का पता चल रहा है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ये भी एक मिकदारी तल्लुक है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ये भी एक मिकदारी तल्लुक का, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। अच्छा, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो कि क्या करती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिकदारी तल्लुक को बताती है, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? स्टाइकोमेट्री। इसको स्टिशियोमेट्री भी कुछ बोलते हैं, स्टाइचियोमेट्री भी बोलते हैं। चलिए इसे हम डिफाइन करते हैं कि इसकी आगे आगे हमारे पास डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील्स विद, जो डील करती है, जो क्या करती है? डील करती है
विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. Between reactants and products in a balanced chemical equation. In a balanced chemical equation is called stoichiometry, जिसको stoichiometry भी कहते हैं. ठीक है बेटा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो करते हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो ताल्लुक हमें पता चल रहा है और केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इसे पढ़ते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, स्टोइकोमेट्री. क्लियर होगी बात ये. अच्छा, इसके साथ इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी भी देख लेते हैं. एक होती है स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, ये किसे कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट. बेटे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो टोटल मिकदार होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट. हम क्या बोलेंगे, the amount of reactant and product in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation is called stoichiometric amount. बट ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, राइट? और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हाइड्रोजन के 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से जब मिलेंगे तो पानी के 36 ग्राम मिलेंगे. अब इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन और 36 ग्राम पानी, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, क्योंकि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो वाली मिकदारें हैं जो कि मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की हैं. तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट. द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट and products in a balanced chemical equation, that is called as a stoichiometric amount. ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे देखिएगा, हमारे पास एक होता है stoichiometric calculation. Stoichiometric calculation. अच्छा जरा देखिएगा, ये मुझे पता चल रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से मुझे कितने ग्राम पानी मिलता है, 36 ग्राम पानी मिलता है. जरा मुझे बताइएगा 8 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम पानी मिलेगा. अब 8 ग्राम हाइड्रोजन से मुझे ऑफ कोर्स डबल किया ना मैंने, इसको भी डबल कर दो 72 ग्राम, इसको भी डबल करके क्या आ जाएगा, 72 ग्राम पानी मिलेगा. अब ये मैंने एक कैलकुलेशन की है, लेकिन फॉलो किसे की है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को. ऐसी कैलकुलेशन जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस कर रही हूं, ऐसी कैलकुलेशन को हम क्या कह देते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन. ठीक होगी ना बात ये. तो हम इसे लिख सकते हैं, दोस कैलकुलेशंस those calculation which are based on balanced chemical equation, ऐसी calculation जो के balanced chemical equation पे based है, those calculation which are based on balanced chemical equation are called stoichiometric calculation. उन्हें हम क्या कह देंगे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन. ठीक होगी बात बच्चों. बच्चे कीप इन माइंड हियर कि व्हेन एवर वी आर परफॉर्मिंग अ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, जब हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, देन वी विल हैव टू अज्यूम फॉलोइंग थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू राइट. ठीक है, देखते हैं, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन. जब कभी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं, फर्ज करनी पड़ती हैं, अजम्पशन, मफरूजात, फर्ज की हुई बातें. पहली चीज जो हमें फर्ज करनी पड़ती है कि जितना हमने रिएक्टेंट लिया था वो सारे का सारा कन्वर्ट हुआ है किसमें, प्रोडक्ट में. ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. पॉइंट नंबर टू, जो चीज हमें फर्ज करनी पड़ती है कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है अगर साइड रिएक्शन हो गया तो सारे का सारा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, कुछ जाया हो जाएगा. लिहाजा ये बात भी फर्ज की जाती है कि सारे का सारा
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, नॉ साइड रिएक्शन अक्कर, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रहा। और तीसरी बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड, ये ओबे हो रहे हैं। वैसे भी ये जो पहला हमारे पास अजम्पशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक ही है। जब हम कह देते हैं ना जितना रिएक्टेंट है वो सारे के सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक ही है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको बताया था कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उस कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट की मासिस के दरमियान रेशो हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ये दोनों बे हो रहे हैं। मसलन अब एक केमिकल इक्वेशन में पानी का फार्मूला H2O लिख रहा हूं और दूसरी केमिकल इक्वेशन में लिख देता हूं A3O, तो इट विल बी अ रॉन्ग वन। पानी का फार्मूला ये है तो हर केमिकल रिएक्शन में मुझे यही लिखना पड़ेगा और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मासिस के दरमियान रेशो यही रहेगी। यह है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड, ये लाजमी तौर पर ओबे होंगे। ये बच्चों हमारे पास तीन अजम्पशंस हैं, जबकि मैंने बोला ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पॉइंट से रिलेट कर रही है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इससे, कि जिस प्रोडक्ट की बात की जा रही है उसके अलावा कोई साइड रिएक्शन वाला प्रोडक्ट हमने नोटिस नहीं करना, ठीक होगी बात। ये आ गई अजम्पशन। बट जब साइकोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में हमें पता चलता है, तो अब साइकोमेट्रिक अमाउंट के ना हम कुछ रिलेशनशिप चेक करते हैं, वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी हियर। रिलेशनशिप, अब इसमें पहला रिलेशनशिप भला क्या है, मैस मैस रिलेशनशिप। अब मैस मैस रिलेशनशिप हमें क्या बताता है, ये बताता है कि अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मैस पता है देन वी कैन डिटरमाइन द मैस ऑफ अनदर सब्सटेंस, खत्म। इफ वी नो द मैस ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैन टेल द मैस ऑफ एन अदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ मैस मैस रिलेशनशिप। जी बच्चों बात क्लियर होगी। जिस तरह भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इसी की एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं। ये हमें बात बता रही है कि दो मोल हाइड्रोजन के एक मोल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो दो मोल पानी बनता है, तो ये टोटल कितने ग्राम, 4 ग्राम, और ये कितना बन रहा है, 32 ग्राम, 36 ग्राम, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इन दोनों की मकदार में डबल कर दूँ, ये 32 ग्राम है, यानी ये मैं कर देता हूँ 4 4 8 ग्राम, ये कर देता हूँ 64 ग्राम, ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक तरह के सब्सटेंस का मास पता था तो दूसरे का मैंने खुद ही जज कर लिया, यानी 4 ग्राम 32 ग्राम से बन रहा है 36 ग्राम, तो बताइए 8 ग्राम या 64 ग्राम ऑक्सीजन से ये कितने ग्राम बनेगा, इसका डबल यानी 72 ग्राम। अब ये क्या हो गया, मास मास रिलेशनशिप, इन विच इफ वी नो द मैस ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैन टेल द मैस ऑफ एन अदर सब्सटेंस, यानी 4 ग्राम के लिए अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, बताइए 8 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, डबल की है ना 4 का, तो 32 का भी क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट हमारे पास है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। जी भाई, इफ वी नो द मैस ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैन टेल द वॉल्यूम ऑफ एन अदर सब्सटेंस, इसमें क्या है, एंड इफ वी नो द वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैन टेल मैस ऑफ एन अदर सब्सटेंस, देन वी कैन डिटरमाइन द मैस ऑफ एन अदर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल बेटे, ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक मोल है तो इसे हम क्या कह लें, 12 ग्राम, ये एक मोल सॉलिड है, ये एक मोल गैसियस है, ये एक मोल गैसियस है। अच्छा इसके वॉल्यूम कितना, ये मोलर है, मोलर वॉल्यूम होगा ना 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, एक मोल का वॉल्यूम इतना ही होता है। अच्छा मुझे पता चल रहा है कि कार्बन के अगर 12 ग्राम है तो वो ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम से रिएक्ट करेंगे, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अब आपने मुझे बताना है अगर मैं ये 24 ग्राम कर दूं, कार्बन डबल कर दूं, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी वॉल्यूम डबल होकर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, डबल हो गया, 22.414 का डबल क्या हो जाएगा, इतना। यानी हमें एक सब्सटेंस का मास पता चला है, मास कितना 24 ग्राम, डबल किया है ना तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, मास पता चला है तो वॉल्यूम मैंने खुद बता दिया, और अगर वॉल्यूम पता होगा तो मैं क्या बता दूंगा, मास। So if we know the mass of one substance, then we can determine the volume of another substance.
एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर वॉल्यूम पता होगा तो मास बता सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया, मोल मोल रिलेशनशिप, क्या आ गया, मतलब इफ वी नो द मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैन टेल द मोल ऑफ अनदर सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, इस तरह क्या आ सकता है, ये मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसमें इफ वी नो द मोल ऑफ वन सब्सटेंस देन वी कैन टेल द डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ अनदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर वॉल्यूम पता होगा तो फिर मोल भी निकाल सकते हैं। जी बच्चों क्लियर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की डिटेल डिस्कशन जो है हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन के दौरान करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, होप सो आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर।